और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की दुविधा में मैं बटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण, रक्षा कीजिए नारायण। सालिग्राम, यही तो रखा था मैंने, कहाँ गिर गया, कहाँ चला गया? मैंने तो यही रखो था। कान्हा, तू यहां क्या कर रहा है? सालिग्राम देखो तूने, अच्छे तेरे मुंह में क्या है? कान्हा, कहीं तूने सालिग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण, क्षमा करना अभूत बालक। जी क्या करो कान्हा, तूने बाहर निकाल सालिग्राम। लल्ला जी अनुचित है, यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला ला बाहर निकाल, अच्छो बालक है ना तू, ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का। लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम, भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने। यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था, और यहाँ तक कि छोटे कान्हा ने भी हमें कितना समझाया, लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दियो। मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने, कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगो, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। आप ही बताओ रोहिणी जी, अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से? क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ना था। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी। पर अब तो बहुत देर हो गई है जशोदा जी, अब क्या होगो? जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था, उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पाँव के नीचे रख दियो है। संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम, बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था, हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे। अब उनके मुंह का निवाला छीन कर उस दुष्ट कंस को देना पड़ेगा। चिच्ची ना, नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गायों की कमी ना है। मैं अपने घर का सारा गौधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी, किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को। नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहेगा। हाँ नहीं तो खाना बाबा का कहना मान ले। कान्हा, तुझे नारायण की सौगंध है, वो सालिग्राम मुझे दे दे। छे क्या करो लल्ला, तूने
ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला? मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा पता है तुझे? क्षमा करना प्रभु, क्या कर रहे हो लल्ला? नारायण की मूर्ति कहां गई? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो जे भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है। जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन है, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। बाहर भी आप हैं और भीतर भी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते। वो तो मेरे सामने ही है। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं बाधा होती है। इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है। इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूं, सदैव हर परिस्थिति में। मैं आपके साथ ही हूं बाबा। जीवन भर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है, उसका क्या जशोदा? और उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की, उसका क्या? समस्या है तो समाधान भी हो गई। मैंने तो कही थी ना मौसी, जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए। ये देखो, ये आभूषण, मोती, ये स्वर्ण उपहार में देने का सामर्थ्य किसके पास होगा? कंस महाराज, तुम देख लेना
मैं इस घर को महल बना दूंगा, सब झटक लूंगा। कान्हा, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते। बताओ ना, कैसे मैं गोकुलवासियों की सहायता करूं? कोई उपाय सुझाओ। तुम्हारी ये रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी लीला पहले से ही आरंभ हो चुकी है ना? अपने कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है बाबा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तुम सभी चिंता मत ही करो, जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करते है ना, उसके साथ देर सवेर बुरा ही होता है। और जिस हाथ से उस षड्यंत्रकारी ने तुम सबका दूध दही माखन लियो है ना, जल जाएंगे वो हाथ, जल जाएंगे वो हाथ।